अब एक्सरसाइज 5.1 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x2y, कैसे करें? हो गया नहीं हुआ? चलो नॉर्मल है बेटा, dy by dx निकालना है, इसका डेरिवेटिव करो y क्यूब का, 3y स्क्वायर इंटू dy by dx, राइट? ये डॉट है, माइनस नहीं है, इसका क्या होगा बेटा एक बार चेक कर लो, आपने सही करे, इसका क्या लगेगा, इस पे लगाया था, ठीक है, थ्री प्रोडक्ट रूल लगाओ, इस पे क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, राइट, एक्स क्यूब का इसका कर दो बेटा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर का, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कर दो ऐसे, थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो मैं उस पर ग्रीन से टिक कर रहा हूँ बेटा, एक ये टर्म है, ये टर्म, ये टर्म, तो इस पूरे को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, क्लियर हो गया बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, गुड। जिसका ये हो गया वो उसके क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करे, वाई इज इक्वल्स टू रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स, ये वाला, ओके, और ये वाले को दूसरी तरफ, थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, वैसे एक काम और हो सकता था, थ्री कॉमन लेके काटा जा सकता था, मैंने नहीं काटा अभी तक, सिक्स एक्स वाई माइनस का प्लस हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, क्लियर, कॉमन ले लो बेटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, थ्री और डी वाई बाई डी एक्स, क्या बच गया आपके पास, वाई स्क्वायर बच गया प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यहां से कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहां तक क्लियर, ओके, थ्री से थ्री कैंसिल, डिवाइड में भेजो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हो गया नाइस, ये आंसर आ गया, क्लियर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन 9 है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल के अंदर यूपीएससी का नाम सुना किसी ने, यूपीएससी पता क्या है, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, उसके अंदर आता है, और किस फॉर्म में होता है, आपको बोला जाता है रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू इनफाइनाइट, इसका आंसर बताना है, इसी कॉन्सेप्ट पे निकलता है जो बताने जा रहा हूं मैं। तो एनीवेज क्वेश्चन 9 क्या है मेरा, वाई इज इक्वल्स टू रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स इनफाइनाइट, कैसे होगा सॉल्व बता सकते हो, बताओ एग्जैक्टली आपको पता है y क्या है, रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x इनफाइनाइट है ना, अगर मान लो मैं इतनी चीज को छुपा दूं, अगर मैं इतनी चीज को छुपा दूं, एक सेकेंड, तो ये क्या बन रहा है, बाकी बचा हुआ रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इन्फाइनाइट सेम ही बन रहा है ना, यस या नो, तो क्या मैं
इस पूरे की जगह लिख सकता हूं y, बोले यस और नो? कंफ्यूज, क्लियर? अब सॉल्व, क्या y क्यों लिख सकते बेटा? y है क्या? रूट एक्स में इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो भाई एक एक्स काट भी तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, राइट? अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा बेटा, आप बताओ? चेन रूल से करा, कोई बात। अब आपने इसको पावर 1/2 में, पता टाइम नहीं है पेपर में, इतने तो पेपर खत्म हो जाएगा। कैसे? स्क्वायरिंग कर दो। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा देखो क्या फायदा होगा, चेन रूल से होगा, गलत नहीं है ये, मैं सोचा गलत है, स्क्वायरिंग से इजी हो जाएगा। खुद बताओ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ज्यादा इजी है या रूट एक्स का डेरिवेटिव? पॉइंट क्लियर है ना? तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब डेरिवेटिव करना क्या होगा बोलो, 2y इंटू dy बाई dx, x का बेटा y का। सॉल्व करने के लिए क्या करूं, इधर कर दिया 2y dy dx क्या हो जाएगा, कॉमन ले ले, बोलो बेटा क्लियर? ये था। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, अरे बच्चा कहता टू हमारे तो प्रूफ कर, ये हो तो क्या फिर, तो ये तो इसकी भी जरूरत नहीं थी हमारे को, मैंने तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ाएंगे, सही वर्ड ही है, क्वेश्चन पढ़ाए और ये नहीं देखा कि क्या प्रूफ करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कैसे होगा, 3x माइनस 2y log 3x प्लस 2y, करो एक बार अटेम्प्ट, करो चलो कैसे होगा, 3x का 2y का log का इन टू चेन रूल लगाया था, 3x प्लस 2y का क्या होगा, 3 प्लस 2 dy बाय dx, राइट? अच्छा जी, अब सॉल्व कैसे करें सर इसको? अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब यहां प्रॉब्लम पता आपको क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये dy बाय dx, अगर आपने इसकी जगह y1 लिख लिया होता आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहता, जरा से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते हुए हिचकिचाओगे, मल्टीप्लाई करके दिखाना इसको। आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 2 dy बाई dx अपॉन में 3x प्लस 2y, उसके बाद इनकी कंफ्यूजन शुरू आ जाए बच्चों की, यहाँ कंफ्यूजन शुरू है। तो एक एडवाइस है मेरी छोटी सी, जैसा कि मैंने कहा था कि y1 या y डैश लेना कई ज्यादा अक्लमंदी है, तो 3x का 3, 2y का y डैश या y1, मैं y1 प्रेफर करता हूँ, ठीक है? अभी देखो इजी रहेगा लिखने में, लॉग का इंटू 3 प्लस 2y1, क्लियर? अब इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है, अब कर दो ना, 3 माइनस 2y1 3x प्लस 2y 3 प्लस 2y1, बोलो यहां तक क्लियर? मल्टीप्लाई करो बेटा 3 इंटू 3 9x, इसको इससे करो 6y माइनस 6x y1 माइनस 4 y इंटू y1 3 प्लस 2y1। सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मेरे बच्चा, y1 वाली टर्म्स एक तरफ, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये, तो मैं इन दोनों को यहां कर रहा हूं। अच्छा पूछो इन दोनों को यहां क्यों करा, क्योंकि ये नेगेटिव है और 3 इधर, 9x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2y1 प्लस 6xy1
प्लस फोर वाई बाई वन, राइट। कॉमन यहां से कॉमन थ्री आ जाएगा, एक तो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यहां से कॉमन टू वाई वन, क्या बचा वन प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई, राइट। डिवाइड में आ जाएगा, क्या डिवाइड में आ गया टू और ये पूरा, तो थ्री बाई टू इंटू थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन अपॉन में थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, ये आ गया मेरा वाई वन। एंड वाई वन क्या था बेटा, वाई वन इज डी वाई बाई डीएक्स, यू आर कंफ्यूज, पूछो, स्टॉप बोलना जिस लाइन पे कंफ्यूजन आई है। यहां से बेटा यहां से मैंने थ्री कॉमन ले लिया पहले, तो ये बच गई टर्म, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा, अब मेरे को निकालनी किसकी वैल्यू है, y1 की, यस। क्या करूंगा खुद की कॉमन सेंस से बताओ, टू मल्टीप्लाई में यहां पर डिवाइड में, ये भी ये तो करा, क्लियर। अब बताओ क्लियर है कंफ्यूजन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर, फाइव नहीं दूंगा अभी, फाइव मत करना, सिक्स, नाइन, और जो क्वेश्चंस या एग्जांपल्स मैंने आज क्लास में कराए, क्वेश्चंस डन इन क्लास, इसे घर जाके दोबारा करना, जो क्वेश्चन मैंने अपने से लिखवाए हैं, हार्डली 15 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है, बस।